कुछ दिनों पहले मैंने सोशल मीडिया साइट पे पढ़ा था कि गायों को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करने की बात की जा रही है, यानी कि नेशनल एनिमल। ये न्यूज सुन के दिल को अच्छा तो लगा, लेकिन जब मैं न्यूज देखने के बाद घर से बाहर निकला और गाय को मैंने कूड़ा खाते हुए देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि ये सुझाव वाकई में गर्व की बात है या फिर सिर्फ एक मजाक जिसे हमारे देश के निर्माण का दर्जा दिया जाता है। आज उनकी ये हालत देख के दिल को तकलीफ भी पहुंचती है और शर्म भी आती है। भूख मिटाने के चक्कर में उन्हें कूड़े कचरे के ढेर टटोलने पड़ते हैं और सड़ा गला जो मिल जाए वो खाना पड़ता है। आप खुद गूगल करके देख सकते हैं, गायों के पेट के अंदर किलो के हिसाब से थैलियां पाई जाती हैं और थैलियों के साथ साथ उनके पेट में पाया जाता है बचे कुछ अखबार के टुकड़े, माचिस की तिल्लियां या फिर कभी कभी नुकीले पदार्थ। अब पहला सवाल ये है कि सड़क पे पड़े कचरे में या फिर कूड़े के खत्तों में इतनी प्लास्टिक की थैलियां आ कहां से रही है, और दूसरा सवाल, गाय आखिर ये प्लास्टिक की थैलियां या फिर ये सड़ा गला खाना क्यों खा रही है। इन दोनों सवालों के जवाब आपको अगले एक मिनट में डिटेल में मिल जाएंगे। मोटा मोटा हम सबके घरों में दो तरीके का वेस्ट होता है, एक होता है किचन वेस्ट, बाकी होता है दूसरा सामान, जैसे प्लास्टिक की खाली बॉटलें, प्लास्टिक की थैलियां, दूध की थैलियां, माचिस की खाली पैकेट्स, रेजर ब्लेड्स, और ये सब हम एक जगह इकट्ठा करके गार्बेज कलेक्टर्स को दे देते हैं। वो गार्बेज कलेक्टर्स सारे घर जाकर ये सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं और पूरे एक हफ्ते में जाकर उसको अनलोड कर देते हैं। ऐसी जगह पे आपको गैस जरूर मिलेगी क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमें खाना यहीं से मिलेगा, जो कि होता है किचन वेस्ट। लेकिन वो किचन वेस्ट कूड़े से अलग नहीं कर पाती, तो इसलिए किचन वेस्ट के साथ साथ वो कूड़ा भी खा जाती है। वहां हम घर पे आराम से यही सोच के बैठ जाते हैं जो सारा कचरा घर से बाहर निकाल दिया, पर ये नहीं सोचते कि वो आखिर जा कर आए शायद किसी बेजुबान के पेट में। हम गवर्नमेंट बॉडीज को तो दोष देने सबसे पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बदलाव का वक्त आता है तो किसी न किसी कारणवश हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सबसे बड़ा वही होता है जो सही करने में सबसे पहला कदम होता है। पहला कदम यानी कि शुरुआत आपको अपने घर से ही करनी है। अपना किचन वेस्ट बाकी कूड़े में मिक्स ना करके उसे एक अलग पैकेट में कर दीजिए और आते जाते किसी भी गाय को खिला दीजिए, जिससे कि गाय की भूख मिटने में मदद होगी और उसे अपना खाना कूड़े के खत्तों में नहीं ढूंढना पड़ेगा। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे आप गाय को गौ माता मानिए या फिर एक एनिमल लवर की नजर से देखिए, उनकी जिंदगी बेहतर बनाना हमारे ही हाथों में है। जी हाँ, सरकार के लेवल के ऊपर काफी सारी चीजें हो रही है, जैसे ज्यादा गौशाला खुलना, गाय को बाहर छोड़ने पे सख्त पाबंदी लगना, और ये सारी चीजें एक बड़े लेवल पे बदलाव ला सकती है। पर हर बड़े कदम के पीछे एक छोटा कदम होता है, और ये छोटा कदम मेरे और आपके घर से बढ़ना चाहिए।